जो है जो भी काम होता है हम खुद करते हैं, सर नहीं करते, वो सिर्फ हमें गाइड करते हैं, गाइड करते हैं। ऑनलाइन थोड़ा होगा, जो यहाँ पे स्किल मिलेगा वो ऑनलाइन कैसे मिलेगा? अगर मिल भी जाएगा स्किल, लेकिन ठीक थोड़ा मिलेगा, हैंड स्किल थोड़ा मिलेगा, फुल पैसा वसूल होता है। मैंने पहले बोला ना पैसे ज्यादा मिल गया। चलिए, ज्यादा हमको यहाँ पे मिला है और जिसको यहाँ पे, और मेरा पैसा भी सर एकदम वसूल है सर, यहाँ पे पैसा वसूल है, बिल्कुल सर पैसा वसूल है। और मैं यही बोलूंगा जिसको आना है सीखने के लिए, वो एकदम बेफिक्र होके आ सकता है, उनका भी पैसा वसूल है। टेलीकॉम के लिए जो भी ऐसे टेलीकॉम आना चाहिए वो आ सकता है, पैसा वसूल है, दूसरे तीसरे दिन भी पैसा वसूल है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। कंपोनेंट का नॉलेज मिल गया तो भी पैसा वसूल है, ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन इधर तो सब मिल रहा है, जो एंडलेस नॉलेज है इधर। नेता आईसी और पीसीबी क्या होता है? मोबाइल में पीसीबी दो होती, ये भी तक नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके पूरा नॉलेज हो गया। अगर ऑनलाइन कोर्स करता तो जो 7 बोर्ड है उनमें से 8 बोर्ड भी खराब हो जाते, एक भी नहीं पता। जी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरा पूरा पैसा उसे बढ़ गया। चलिए ठीक है, अगर आपको देखिए कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? बेफिक्र आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। मैं कौन कौन सी आईसी लगे, मैं तो सीपीयू देख के ही बता दूंगा फोन में कौन सा आईसी लगा है, पावर सेक्शन का। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सर देव सर की वजह से आया सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम के लिए सर, मैं तो यहाँ पे सीख लिया हूँ, बाकी जिसको सीखना है अच्छे से मोबाइल रिपेयर करना है वो आके यहाँ पे सीख सकता है। आपका पैसा वसूल है कि नहीं है? जी मेरा पैसा वसूल है। अगर आपको देख के कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? सर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। टेलीकॉम के लिए यही बोलना चाहता हूँ, कोई अगर सीखने के लिए इच्छुक है वो आ सकता है। मेरा नाम विजय कुमार प्रसाद है, मैं बिहार से, मेरा पैसा वसूल है। पैसा वसूल है? बिल्कुल वसूल है। और जो आएगा उसका पैसा? उसका ही पैसा वसूल हो जाएगा, लेकिन उसको करने के लिए मन होना पड़ेगा, 10 घंटा सोने से नहीं होगा, उसको काम करना पड़ेगा। मेहनत जरूरी है? नहीं जरूरी? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अगर जिसको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है 2 किलो वेट बढ़ा के आए? जी हाँ बिल्कुल, मेरा कम हो जाएगा। यही कोर्स में ऑनलाइन देता तो आप कर पाते क्या? अरे नहीं सर, ऑनलाइन कहाँ आएगा, ऑनलाइन कहाँ पाएगा सर। अगर आना है वो आए, हमारा पैसा तो वसूल है। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा, हम तो यही कहेंगे कि कोशिश करें कि आए, अपना फ्यूचर बनाए, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी जगह है, हर एक चीज का सुविधा है। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकलना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?
मेरा नाम धीरज सर। धीरज जी कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से हैं तो बताइए आज आपकी मैं बात करूँ, आज एमएमसी की कितने दिन की क्लास हुई? आज फोर्थ डे है सर। फोर्थ डे की क्लास में पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में कोई आपका डाउट है कि नहीं? नहीं, सारे डाउट क्लियर है सर। सारे डाउट्स क्लियर हैं सर। फर्स्ट डे से आप कभी आईसी का काम किए थे? सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मोबाइल की फील्ड में आप कब से हैं? आज 24 दिन हो गए शायद। मतलब आप एक महीने से इस मोबाइल के फील्ड में हैं, और उसके पहले आपने कभी मोबाइल का काम किया था? नहीं सर। हालांकि जब आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए थे तो पहले दिन से ही आपको आईसी पे काम करवाया जा रहा है। जी है ना। जी जी। तो बताइए हमें, पहले दिन से लेके अभी तक के दिन में कोई आपको हैंड स्किल में कोई दिक्कत आई क्या, या फिर आपको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? स्टार्टिंग में आई थी लेकिन अभी कोई नहीं, अभी तो सब परफेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात है ट्रिक बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बड़े इजी ट्रिक हैं, बड़े जल्दी ग्रैप कर लेते हैं। और बात करें ईएमएमसी की जो क्लास है, जो भी आपको थ्योरी दी जा रही है साथ के साथ प्रैक्टिकल भी दी जा रही है, तो अभी तक के क्लास में कोई डाउट है आपकी? कोई डाउट नहीं है सर, हम खुद करते हैं जो भी काम होता है, हम खुद करते हैं, सर नहीं करते, वो सिर्फ हमें गाइड करते हैं। गाइड करते हैं। तो अब मैं बात करूँ कि आज ये चार दिन की ईएमएमसी क्लास में आप ब्लैक पेस्टेड पे भी काम कर रहे हैं। जी सर। तो ये ब्लैक पेस्टेड ऐसी था? जी, निकालते हैं, लगाइए। निकालने में कोई दिक्कत है? नो सर। अगर ऐसा बताइए कि हमने आपको कभी बोला क्या कि ये ओप्पो का है, वीवो का है, वन प्लस का है, या फिर किसी अदर ब्रांड का है जो बहुत हार्ड टेस्टेड होता है, हमने कभी बताया क्या आपको? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने बोला ये मक्खन की तरह निकलेगा और वो निकलता मक्खन की तरह। जैसा कि देव सर आपको बोले थे कि पहले दिन ही बोले थे आपसे कि ब्लैक पेस्टेड आपके लिए बिल्कुल मक्खन कर देंगे और मक्खन की तरह आप निकालेंगे, तो वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही हो रहा है। उनकी बात कही हुई सच है कि गलत हुई? सही हुई जी। चलिए मैं बात करूँ, अगर सोच के आया था उससे बहुत ज़्यादा मिल गया सर। बहुत ज़्यादा मिल गया। अब मैं बात करूँ, अगर यही कोर्स ईएमएमसी का जो कोर्स है, या फिर हार्डवेयर का है, या फिर सॉफ्टवेयर का है, तो ऑनलाइन अगर कोई कोर्स ले तो क्या वो सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं हो सकता सर, ऑनलाइन थोड़ा ना होगा। जो यहाँ पे स्किल मिलेगा वो ऑनलाइन कैसे मिलेगा? अगर मिल भी जाएगा स्किल, लेकिन ठीक थोड़ा मिलेंगे, हैंड स्किल थोड़ा मिलेगा। चलिए बताइए, तो फुल सेटिस्फाई है? फुल सेटिस्फाइड। चलिए ठीक है। मैं धीरज है, मैं जम्मू से हूँ, और जो भी कोई यहाँ आना चाहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की टीम जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ना मस्ती करते हैं ना करने देते हैं। 12 घंटे मेहनत करोगे, लेकिन जब आप यहाँ से एक महीने के बाद जाओगे तो आप प्रैक्टिशियन बन के जाओगे। पैसा वसूल है कि नहीं है? फुल पैसा वसूल है। मैंने पहले बोला ना, पैसे ज्यादा मिल गया। चलिए जी, मेरा नाम अजय है। अजय जी कहाँ से हैं आप? जी मैं मुंबई से। तो थोड़ा सा इधर देखिए, बाद में काम कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे अगर बात करूँ, तो आज पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में आपको कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट। एमएमसी की जो क्लास चल रही है उसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो अजय जी मैं बात करूँ अगर आपसे, तो जो आपकी बोर्ड देखने की नज़रिया जो है, कब चेंज हुई? सर वो बोर्ड देखने की नज़रिया तो जब फर्स्ट डे ज्वाइनिंग था, उसके सेकेंड डे से ही चालू हो गया। जैसा कि देव सर ने बोला था कि हम आपका बोर्ड देखने का नज़रिया जो है वो आपका बदल देंगे। जी सर बिल्कुल बोले, और वो बात सच हुई सर। वो सच हुई? जी सर। पर्टिकुलर हमने किसी अगर बात करें, जो आपकी एमएमसी की जो क्लास चल रही है, तो हमने एमएमसी को छोड़ के आपको बोर्ड को देखने का नज़रिया एक एक करके सारी चीज़ें चेंज कर देगी? नहीं बिल्कुल सर, पूरा सेक्शन बाई सेक्शन जो है सब बताया सर। सेक्शन बाई सेक्शन बताया। तो चलिए मैं बात करूँ कि आप कभी पहले आई सी पे काम करते थे कि नहीं? नहीं सर, अभी फिलहाल मैं फ्रेशर हूँ, और एक महीने में जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है सर, काफ़ी बहुत कुछ नॉलेज हुआ है सर। तो एक बात बताइए, ब्लैक पेस्टेड की अगर मैं बात पूछूँ आपसे, तो ब्लैक पेस्टेड पे भी आप रेगुलर चार दिन से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो अब बताइए कि वन प्लस हो, ओप्पो हो, वीवो हो, हालांकि आप सोनी के बोर्ड पे भी निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप सोनी के बोर्ड का ब्लैक पेस्टेड निकाले हैं, तो आपका कोई प्रिंट गया कि नहीं गया? नहीं, अभी तक तो कोई भी प्रिंट नहीं गया सर। कोई सा भी प्रिंट नहीं गया? नहीं सर, अभी कोई। तो अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जिस हिसाब से हम सोच के आए थे उससे ज़्यादा हमको यहाँ मिला है। तो ओवरऑल मैं बात करूं आपसे कि अगर यही कोर्स ऑनलाइन लेते हैं आप, तो क्या उसमें पॉसिबल था? नहीं सर, कोई इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको यहाँ पे आके जो भी जो जिस तरह से हिस्ट्री यहाँ बताई जाती है, और बहुत आसान से हम लोग वो सीख पाते हैं सर। चलिए तो क्या बोलना चाहेंगे जो व्यूअर्स? मैं सर ये बोलना चाहूँगा, मैं मुंबई से अजय हूँ, ठीक है, और जिस हिसाब से मैंने यहाँ मतलब देख के आया था उससे। क्या नाम है आपका? प्रमोद सर। प्रमोद जी कहाँ से? महाराष्ट्र से। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज़ महाराष्ट्र तक जानी चाहिए। महाराष्ट्र से सर, और भी लोगों को, बस महाराष्ट्र तक नहीं और भी कहीं जानी चाहिए। हाँ यस सर। तो चलिए मैं बात करूँ आपकी, आज एमएमसी की चार दिन की क्लास हुई है आपकी, तो चार दिन के क्लास में अभी तक क्लास में कोई डाउट है आपको? नो सर, कुछ भी डाउट नहीं है। कुछ भी डाउट नहीं है। आज पहले दिन आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया था यूएफआई का, दूसरे दिन में आपको रीड राइट के बारे में बताया गया था, और तीसरे दिन चौथे दिन में आपको मिला के एक आईसी को प्रोग्राम करने के लिए बताया गया था। तो जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, ऐसा तो नहीं बस थ्योरी हो रहा है, प्रैक्टिकल ना दिया जा रहा हो? नो सर, थ्योरी नहीं, एक एक बच्चे को बैठा के प्रोग्राम कर
करने को सिखाया है सर, बताया जा रहा है। यस सर, लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है सर, लाइव। चलिए, अगर मैं आपसे प्रमोद जी बात करूँ कि आप इस फील्ड में, मोबाइल के फील्ड में कब से हैं? मैं 2-3 साल से सर। 2-3 साल में आपने कभी आईसी पे काम किया था? नो सर, आईसी कभी भी नहीं उठाया। कभी नहीं आईसी उठाया था, मतलब आपने आईसी पे काम बिल्कुल नहीं किया? ओनली चार्जिंग जैक और हेडफोन मतलब आप काम करते थे, बता रहे हैं आपको। तो अगर मैं पूछूं आपसे, कहाँ सीखा आपने आईसी को निकालना और लगाना? एशिया टेलीकॉम। अब मैं बात करूँ आपसे कि जो बोर्ड देखने का नजरिया जो आपका बदला, बोर्ड में आप दे दूँ पर्टिकुलर एक कोई से भी सीपीयू का बोर्ड दे दूँ, तो वो बोर्ड देखने का नजरिया कहाँ बदला, कब बदला, कौन से क्लास में बदला? दूसरे तीसरे दिन ही बोर्ड का देखने का नजरिया बदला। किसके क्लास में बदला? इधर प्रैक्टिकल में और देव सर के क्लास में। देव सर ने सब बोर्ड की, मतलब एक बात करें आपसे कि हालांकि हार्डवेयर क्लास में ईएमएमसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बस एक छोटी सी चीज बताई जाती है कि ईएमएमसी है, स्टोरेज आईसी, स्टोरेज आईसी, लेकिन एक सीपीयू में कौन कौन सा आईसी लगा हुआ है, कौन सा पावर है, कौन सा वाईफाई आईसी है, कौन सा ब्लूटूथ आईसी है, कौन सा फर्स्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है, ये सब चीजें जो है, जैसा कि हम बोलते थे कि आपका बोर्ड देखने का नजरिया बदल, तो बदला कि नहीं बदला? यस सर, बोर्ड देखने का नजरिया बदल गया। अब मैं बात करूँ अगर आपसे ब्लैक पेस्टेड की, जो आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, देख सकते हैं ये ओप्पो का बोर्ड है और आपने इसमें ईएमएमसी पावर और आपने इसका सीपीयू तक निकाल रखा है, कोई भी प्रिंट आपका गया कि नहीं? नो सर, प्रिंट एक भी नहीं गया, कोई भी प्रिंट नहीं गया। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? बढ़िया सर, जो काम पहले नहीं करते थे सब आईसी निकाल के अभी बैठा भी सकते हैं, एक भी कंपोनेंट ऐसा पीसीबी का नहीं जो हम निकाल नहीं सकते। निकाल सकते हैं? यस सर। पैसा वसूल लग रहा है? यस सर, पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? जो भी एशिया टेलीकॉम आना चाहे वो आ सकता है, पैसा वसूल है, दूसरे तीसरे दिन में पैसा वसूल है ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अभी कंपोनेंट का नॉलेज मिल गया तो भी पैसा वसूल है ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन इधर तो सब मिल रहा है, जो एंडलेस नॉलेज है इधर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विशाल है और मैं महाराष्ट्र से। विशाल जी बताइए कैसा चल रहा है क्लास आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। विशाल जी मैं बात करूँ आपसे, तो आप पहले दिन से ही आईसी पे काम कर रहे हैं, तो आप इस मोबाइल के फील्ड में कब से हैं? सबसे पहले आपसे मैं यही पूछूंगा। सर मैं इस मोबाइल फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हूँ, आज तक पता नहीं था आईसी और पीसीबी क्या होता है, मोबाइल में पीसीबी दो होती ये भी तक नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके पूरा नॉलेज हो गया। यहाँ आके आपको पूरा नॉलेज हुआ। अब आपको एक बात मैं पूछूँ आपसे, जो देव सर के साथ क्लास हुई है, एक सर मतलब क्या है नॉर्मल बोर्ड और क्या है आपका स्मार्टफोन का बोर्ड, कितने लेयर्स होते हैं बोर्ड में, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई गई नहीं बताई गई? जी सर पूरी डीपली बताइए, क्या डिफरेंस होता है कि लेयर्स वाले बोर्ड में, क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बोर्ड में, ये सब बताया गया आपको? जी सर पूरा डिटेल में बताया गया। क्या दूसरी बात अगर मैं पूछूँ आपसे कि जो पीसीबी देखने का नजरिया है, हालांकि मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ और आपसे भी करूँगा, कि पीसीबी देखने का जो नजरिया है कब बदल गया आपका और किसी क्लास में बदला? सर जैसे पहले 2-3 दिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब बोर्ड देखता था तो उसमें सिर्फ क्या सब बोर्ड होता है और क्या पीसीबी होती है ये डिफरेंस मुझे समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता गया, देव सर ने जैसे जैसे डिफरेंट करते गए, जो मोबाइल हमने दिए थे वो खोल के बताए गए, उस तरह से जैसे जैसे प्रैक्टिकल बढ़ता गया उस तरह से पूरा नॉलेज मिलता गया। चलिए और मैं बात करूँ जो देव सर के साथ आपका डेट का सेक्शन हुआ था, वो सेक्शन के बारे में कैसा गया आपका? वो सेक्शन तो सबसे बढ़िया आ गया, जो भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन थे वो पूरे क्लियर हो गए। क्लियर हो गए जी सर, अभी मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होंगे आपके मेरे ख्याल से? जी नहीं सर। अच्छा एक बात मैं पूछूंगा आपसे, कोई डाउट्स अगर होता है तो क्या हम क्लास को स्टॉप कर देते हैं? जी नहीं सर, कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ का जो भी टीचर है या कोई भी सपोर्टर है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आज का काम खत्म हो गया, आज का जो भी सेक्शन था खत्म हो गया, कल इसके बारे में पूछना है, आज भले ही 9 बज जाए 10 बज जाए लेकिन पूरा कंप्लीट करके कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ईएमएमसी की, ईएमएमसी की क्लास आपकी हो गई कितने 4 दिन की क्लास हो गई आपकी, 4 दिन के अंदर आपने क्या सीखा, क्या समझा, और जो भी आपको पढ़ाया गया वो लाइव हुआ है या बस थ्योरी थ्योरी दिया गया? नहीं सर थ्योरी तो पूरा लेती ही है, इसके साथ प्रैक्टिकल पूरा होता है। प्रैक्टिकल कौन करता है, स्टूडेंट करते हैं या फिर टीचर करते हैं? नहीं सर यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल स्टूडेंट ही करते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ब्लैक पेस्टेड पे भी साथ के साथ हम आपके हैंड स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए ब्लैक पेस्टेड पे भी काम करवा रहे हैं, तो ऐसा कोई फ़ोन है जो आप ब्लैक पेस्टेड पे आप कोई आईसी ना निकाल पाए ब्लैक पेस्टेड? जी नहीं सर, जितने डिफरेंट मैंने बोर्ड लिए थे वो पूरे अच्छी तरह से, बोर्ड से आपने काम किया ब्लैक पेस्टेड? अब तक 7 बोर्ड का काम किया है, उनमें से 2 खराब हो गए थे शुरू में से, बाकी के 4-5 में क्लियर हो गए, बिल्कुल फ्रेशर है, लेकिन देखिए 2 बोर्ड आपसे डैमेज हुए हैं। नहीं सर वो तो हैंड स्किल पे डिपेंड है ना, अभी तो उतना हैंड स्किल मेरा परफेक्ट नहीं है ना।
जैसे जैसे मैं काम करता जाऊँ उसके तरीके से उसका आपका डैमेज हो गया, लेकिन अभी जो चार है उसमें क्या हुआ? नहीं वो तो पूरे परफेक्ट निकले, परफेक्ट है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जरा अपना बोर्ड दिखाइए और इस पे जो काम किया है आपने, हालांकि देख सकते हैं इन्होंने निकाला हुआ है और बहुत अच्छा निकाला है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पावर तक भी आपने निकाला जी सर, तीनों निकाला है जी सर। अब मैं बात करूँ आपसे कि अगर यही कोर्स मैं आपको ऑनलाइन देता, हालांकि बहुत इंक्वायरी हमारे पास ऑनलाइन कोर्स के लिए, अगर ये कोर्स मैं ऑनलाइन देता तो क्या जो चीज़ आप यहाँ पे कर पा रहे हैं वो कर पाते क्या? अगर ऑनलाइन कोर्स करता तो जो 7 बोर्ड है उनमें से 8 बोर्ड भी खराब हो जाते, एक भी नहीं हो पाता, एक भी नहीं बचता जी नहीं। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम के लिए मैं यही बोलना चाहूँ, जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, बेफिक्र आ सकता है और पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, जो भी नॉलेज है वो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ का टीम वर्क कैसा है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर बस एक टीचर रहते हो और उसके साथ कोई और टीचर ना रहता हो? जी नहीं सर, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है, हर एक टीचर जो भी आता है वो परफेक्टली है और पूरा डीपली नॉलेज आता है, जो भी प्रॉब्लम जो भी रहे उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाता है। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और मैं महाराष्ट्र से तो मेरा पूरा पैसा वसूल। चलिए ठीक है, अगर आपको देखिए कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? बेफिक्र आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। नाम है आपका? अनीश यादव। अनीश जी कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं, बहुत अच्छी जगह से है। चलिए मैं बात करूँगा आपसे कि आज एमएमसी के कितने दिन की क्लास हुई आप? सर चौथा दिन है एमएमसी क्लास। 4 दिन के क्लास में आपको कोई सा भी थ्योरी जो भी आपको मिला है सर से, किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट नहीं। अगर डाउट होता है तो उसको क्या करते हैं? सर से पूछ लेते हैं सर, उसका जवाब। वो डाउट क्लियर करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है सर डाउट। अगर हम आपके डाउट ऑन द स्पॉट उसी सेम डे पे अगर ना कराएं तो वो डाउट और भी बढ़ते जाएंगे और आने वाले मतलब क्लास जब एंडिंग पॉइंट होगा तो आप कहेंगे कि मेरा डाउट ही रह गया या फिर समझ नहीं पाए, ये सब चीज़ें होंगी, है ना? सर मेरे सारे डाउट मैं पूछ लेता हूँ, तो जो भी डाउट होते हैं वो मुझे। सारे लोग डाउट क्लियर अपना करते हैं या फिर बस आप ही करते हैं? नहीं नहीं सारे लोग कर लेते हैं और डाउट क्लियर भी करना चाहिए, नहीं तो आगे का समझ ही नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको कोई डाउट है तो हम मना कर देते हैं, चलो बाद में पूछ लेना, एक घंटे बाद पूछ लेना या फिर कल पूछना, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, तुरंत बता दिया जाता है। बात करें आपकी ब्लैक पेस्टेड की, जो साथ के साथ आपकी क्लास चली है ब्लैक पेस्टेड की, तो आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कितने बोर्डों पे आपने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया? 3 बोर्डों पे काम। तो जरा बोर्ड दिखाइए, थोड़ा बोर्ड दिखाइए सर। तो देख सकते हैं ब्लैक पेस्टेड पे भी ये काम कर रहे हैं। और ओवरऑल एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आप इस मोबाइल की फील्ड में कब से हैं? सर मैं हूँ तो काफ़ी टाइम से, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं कर रहा था, 7-8 महीने से ही कर रहा हूँ। 7-8 महीने काम में? कभी आपने आईसी पे काम किया था क्या? नहीं आईसी पे काम नहीं करते थे। कहाँ सीखा आपने? मैं सर कहीं सीखा नहीं, मैं यूट्यूब से ही देख के ही काम करता था। आपने कहाँ सीखा? सर एशिया टेलीकॉम से सर, अभी सीखा आपने। तो पहले दिन से ही आप आईसी पे काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं? जी सर पहले दिन से ही आईसी पे ही काम करा। अब मैं कोई भी आपको फ़ोन दे दूँ और बोल दूँ कि सर सीपीयू उठा लो और दोबारा से लगा दो और फ़ोन चालू करके दो, हमें चालू फ़ोन दो अगर, तो चालू करके दे पाएंगे? नहीं कर देंगे सर, 5-10 मिनट लगेगा, कर देंगे 10 मिनट के अंदर ही आप कर देंगे कर। और वो ब्लैक पेस्टेड हो तो उस पर भी कर देंगे सर, 20 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा ही सर। क्लीनिंग प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो ट्रिक्स हैं ब्लैक पेस्टेड निकालने की, वो ट्रिक्स आपको कैसी लगी? वो बहुत अच्छी लगी सर, बहुत बेहतरीन ट्रिक। और दूसरी बात मैं आपसे ये, जो कि बोर्ड देखने का जो नज़रिया है, जैसा कि सर देव सर बोलते हैं आपको कि पहले दिन ही क्लास में बोलते हैं कि आपको बोर्ड देखने का जो नज़रिया वो बदल देंगे, एक ही एमएमसी को छोड़ के सारी चीज़ें आपको देखने का नज़रिया बदल देंगे, तो बदला कि नहीं बदला? बदला सर। अब मैं कोई सा भी फ़ोन दे दूँ, कोई सा भी बोर्ड दे दूँ, उसमें कोई सा भी सीपीयू लगाओ, आप उसको देख के बता पाएंगे? बता देंगे सर, उसमें कौन कौन सी आईसी लगी, मैं तो सीपीयू देख के ही बता दूंगा फ़ोन में कौन सा आईसी लगा है, पावर सेक्शन का। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? देव सर की वजह से आया सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम के लिए सर, अब मैं तो यहाँ पे सीख लिया हूँ, बाकी जिसको सीखना है अच्छे से मोबाइल रिपेयर करना है वो आके यहाँ पे सीख सकते हैं। आपका पैसा वसूल है कि नहीं है? जी मेरा पैसा वसूल है। अगर आपको देख के कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? सर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या नाम है थोड़ा सा इधर देखिए? विजय कुमार प्रसाद। विजय जी कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से, तो बताइए आज एएमएमसी की क्लास कितने दिन की हुई? ये आपका आज 14 दिन है। चौथे दिन की क्लास में पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट नहीं है। और मैं बात करूँ साथ के साथ आपके हैंड स्किल का भी काम चल रहा है, ब्लैक पेस्टेड पे काम भी कर रहे हैं जी, और आप यूएफआई भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर जो चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हैं और दूसरा ना कर पा रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं, दोनों एक साथ काम
काम कर पा रहे हैं। देखिए क्योंकि पर्टिकुलर आपका थ्योरी का अलग टाइम है और उसका प्रैक्टिकल का अलग टाइम है और जो आपका हैंड स्किल का बात है वो भी उसका अलग टाइम है। हालांकि तीन शिफ्ट में हम आपसे काम करवा रहे हैं जी। तो चलिए मैं बात करूंगा आपको, सबसे पहले एक पीसीबी पे, मान लीजिए जब कोई भी काम कर रहे हैं तो एक पीसीबी पे ही काम कर रहे हैं जी हाँ। तो इस पीसीबी में कौन सा सीपीयू लगा है, उस सीपीयू को देखने का जो नज़रिया है, उससे रिलेटेड जो आईसियाँ होती हैं वो आपका देखने का नज़रिया जो है वो कब चेंज हुआ आपका? यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में आने के बाद पूरा का पूरा नज़रिया चेंज हुआ। जैसा कि देव सर आपसे बोलते थे कि हम आपका देखने का नज़रिया, पीसीबी चेंज करने का नज़रिया बदल देंगे, तो बदला कि नहीं बदला? जी हाँ बिल्कुल बदल गया। अब मैं कोई सा भी फोन दे दूं तो आप कर पाएंगे उसको? जी हाँ बिल्कुल कर, मतलब आप उसको डायग्नोस करके बता पाएंगे कि इसमें पावर लगा है कि सेकंड पावर लगा है कि कौन सा BQIC है, मतलब कोई भी आईसी नेटवर्क हो या फिर कोई सा भी हो बता पाएंगे ग्राफिक्स हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखने का नज़रिया बदल गया जी हाँ बिल्कुल। चलिए ओवरऑल मैं पूछी अगर आपसे, तो अगर ये कोर्स मैं ऑनलाइन अगर देता किसी को तो क्या वो कर पाते? ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। जैसे आपको हैंड स्किल यहाँ दे रहे हैं या फिर जो भी आपको थ्योरी दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल आपसे वो थ्योरी का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, वो ऑनलाइन कर पाते क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या बोलना चाहेंगे इसे टेलीकॉम के लिए? बस इसे टेलीकॉम के लिए यही बोलना चाहता हूँ, कोई अगर सीखने के लिए इच्छुक है वो आ सकता है। मेरा नाम विजय कुमार प्रसाद है, मैं बिहार से, मेरा पैसा वसूल है। पैसा वसूल है? बिल्कुल वसूल। और जो आएगा उसका पैसा? उसका भी पैसा वसूल हो जाएगा, लेकिन उसको करने के लिए मन होना पड़ेगा, 10 घंटा सोने से नहीं होगा, उसको काम करना पड़ेगा। मेहनत जरूरी है? नहीं जरूरी? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अगर जिसको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है 2 किलो वेट बढ़ा के आए? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ कम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर है, मैं मुंबई से हूँ। जाफर जी मुंबई से हैं, तो चलिए मैं आपसे बात करूँ कि पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में आपको कोई डाउट है? नो सर। है? क्लियर है सर। क्लियर है जी सर। अब मैं बात करूँ आपसे डाउट की, तो जो डाउट्स आपके होते हैं वो डाउट हम पर डे ऑन द स्पॉट उसी दिन उसी समय क्लियर करते हैं नहीं करते? जी, उसी दिन क्लियर करते हैं जी। तो बात बताइए कि लेयर्स, बोर्ड की लेयर्स की मैं अगर बात करूँ तो किसमें कितने लेयर्स होते हैं और नॉर्मल बोर्ड में कितने लेयर होते हैं, ये पता है कि नहीं पता है? आराम से बताइए, ये तो पहले दिन बताया गया था। पहले दिन ही बता दिया गया था आपको, काउंसलिंग क्लास में ही बता दिया गया था। तो चलिए दूसरे दिन की क्लास में बात करूँ, जैसा कि देव सर के साथ क्लास हुआ था आपका, देव सर ने बोला था आपको कि मैं आपको पीसीबी देखने का नज़रिया, बोर्ड देखने का नज़रिया बदल देंगे, एक सीपीयू देख के आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा RF है, कौन सा PF है और कौन सा आपका फर्स्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है, कौन सा इसमें चार्जिंग IC है, कौन सा ग्राफिक्स IC है, कौन सा लाइट IC है, ये सब सारी चीज़ें बताने के लिए बोले थे सर। ये आप देख के आप बोर्ड में बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? आराम से बता लेंगे। चलिए बताइए ये कौन से CPU है, इसमें कौन सी CPU लगी हुई है? चलिए तो क्वालकॉम की CPU में पावर कौन सा है, चार्जिंग IC कौन सा है, ये सब सारी चीज़ें आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? बता देंगे। तो चलिए हमने बात करूँ EMMC की क्लास की, EMMC क्लास 4 दिनों से चल रही है आपके साथ के साथ, आपकी ब्लैक पेस्टेड पे हैंड स्किल का भी काम चल रहा है, तो ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता था पर जब से शेड्यूल में किया फिर सर ने बताया कि बताया कि कैसा करना है क्या नहीं करना। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ आपकी जानी चाहिए भाई मुंबई से। पहले करते थे फिर ट्रैक आ जाता था साथ में, फिर सर यहाँ बताया अपने हाथों से बैठा के बताए, फिर उस दिन से अभी कोई ट्रैक नहीं ओपन हुआ, कोई ट्रैक नहीं ओपन हुआ। तो मैं जफर जी से बात करूँ कि पहले दिन से ही आपको IC पे काम करवाया जा रहा है, कि आप पहले कभी IC पे काम किए हैं क्या? नहीं किए हैं? नहीं सर। और पहले दिन से आपसे IC पे जो काम करवा रहे हैं वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अगर मैं आपको पहले दिन से IC पे काम नहीं करवाता तो क्या आप ब्लैक पेस्टेड काम कर पाते? नहीं कर पाते सर, नहीं कर पाते। हर एक चीज़ का अपना प्रोटोकॉल है, हर एक चीज़ का अपना सेक्शन है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे कि अगर यही कोर्स मैं ऑनलाइन देता तो आप कर पाते क्या? अरे नहीं सर, ऑनलाइन कहाँ, ऑनलाइन कहाँ हो पाएगा सर? अगर आप यहाँ पे कोई गलती करते हैं तो पीछे आपके बैकेंड में कोई टीचर्स होते हैं? नहीं होते? जरूर जरूर होते हैं ना। होते हैं सर। तो वो गाइड आपको ऑनलाइन मिल पाता क्या? नहीं मिल पाएगा सर, वहाँ खाली बस बता देंगे, मैंने तो गाइड करना होता है, तरीका होता है कि कैसा करना है कैसा नहीं करना है, तो चलिए ठीक है। ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? मैं तो यही बोलूँगा सर, जिनको आना है वो आए, हमारा पैसा तो वसूल है, अगर लोग ज्यादा से ज्यादा हम तो यही कहेंगे कि कोशिश करें कि आए, अपना फ्यूचर बनाए, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी जगह है, हर एक चीज का सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे टीम वर्क है कि नहीं है? टीम वर्क के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टीम वर्क ऐसा तो नहीं है कि जिस टीचर का क्लास हो बस वही टीचर मिलते हो आपको? नहीं नहीं, सब टीचर एक साथ में रहते हैं सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल आपको देख के अगर कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है? जरूर जरूर। पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you.
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली